दोस्तों डंकी का क्रेज फिलहाल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और सालार को पीछे करने के लिए भी शाहरुख खान ने नया तरीका निकाला है। फिलहाल डंकी मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए डंकी के 3 ट्रेलर रिलीज किए जाएंगे। जी दोस्तों, राजकुमार हिरानी की तरफ से ऑफिशियल 3 ट्रेलर रिलीज होंगे, उसमें से एक छोटा टीजर होगा और बाकी 2 बड़े ट्रेलर वही दोस्तों सालार वाले अपने 2 ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं जो हमें इसी महीने में देखने को मिलेंगे। वही दोस्तों दोनों फिल्मों वाले अपनी तरफ से फुल जोर लगा रहे हैं एक दूसरे को पछाड़ने के लिए। दोस्तों अभी हाल ही में शाहरुख खान की 2 मूवी रिलीज हुई, पठान और उसके बाद जवान। दोस्तों दोनों ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की और कई बड़ी बड़ी मूवियों के रिकॉर्ड अपने नाम किए। अब दोस्तों फाइनली शाहरुख खान फिर से दोबारा बॉक्स ऑफिस पर तूफान लेकर आने वाले बहुत ही जल्दी। दोस्तों कहा जा रहा है ये मूवी भी जवान और पठान की तरह रहने वाली है। दोस्तों वही डंकी मूवी को लेकर शाहरुख खान खूब चर्चा में बने हुए हैं। पिछले लंबे समय से फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा इंतजार बना हुआ है। वही दोस्तों अब फिल्म के रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस बात की जानकारी मशहूर कृतिक सुमित काडेल ने सोशल मीडिया पर दिए। उन्होंने फिल्म का पहला पोस्टर शेयर करते हुए ये ऐलान किया है कि डंकी मूवी इसी साल 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। इसी के साथ फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी कर दिया गया है जिसमें शाहरुख खान एक सोल्जर के किरदार में नजर आ रहे। वही दोस्तों पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि एक सोल्जर अपना वादा कभी नहीं भूलता है। वही अब शाहरुख खान की डंकी मूवी प्रभास के सालार के साथ तूफान मचाने आ रही है। दोस्तों डंकी मूवी में किंग खान एक्शन अवतार में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इसमें दर्शकों को एक ऐसी चीज दिखाई दी जाएगी जो पहले किसी भी फिल्म को में देखने को नहीं मिली है। फिल्म के स्टार्ट कट की बात करें तो दोस्तों इस मूवी में हमें शाहरुख खान के अलावा एक्ट्रेस तापसी पन्नू, दिया मिर्जा, बुमर ईरानी अहम किरदारों में नजर आएंगे। वही दोस्तों खबरें हैं कि फिल्म में विक्की कौशल कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान और ज्योति देशपांडे प्रोड्यूस कर रहे हैं। वही फिल्म को यशराज बैनर तले बनाया जा रहा है। दोस्तों आप सब लोग डंकी मूवी के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।